दोस्तों हुंडई मोटर कंपनी ने क्रेटा ईवी की लॉन्चिंग टाइमलाइन में बदलाव कर दिया है। दोस्तों कंपनी ने पुष्टि की है कि वो क्रेटा के इलेक्ट्रिक वर्जन को 2025 के अंत तक मार्च 2025 तक बाजार में उतारेगी। दोस्तों इससे पहले कंपनी ने कहा था कि वो 2024 के अंत तक इस ईवी का उत्पादन शुरू करेगी और 2025 की शुरुआत में इसे लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हुंडई ने भारत में 3 और इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की भी घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें कि हुंडई क्रेटा ईवी की टेस्टिंग में दिखी तस्वीरों से पता चलता है कि इसका डिजाइन आईसीई मॉडल के समान है, लेकिन क्लोज्ड ग्रिल, एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स और नए बम्पर के साथ थोड़ा बदलाव मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा लेटेस्ट कार के केबिन में भी मामूली बदलाव किए गए हैं। दोस्तों इसमें नया 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील और स्टेयरिंग कॉलम माउंटेड गियर लीवर होगा। दोस्तों मौजूदा हुंडई क्रेटा के समान डुअल 10.25 इंच स्क्रीन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं बरकरार रहेगी। दोस्तों क्रेटा ईवी की तकनीकी विशेषताओं का भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि ये 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बैटरी और मोटर के साथ आएगी। दोस्तों यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये 6 एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडाप्ट जैसी बहुत सारी सुविधाएं इसमें शामिल होंगी। दोस्तों इस गाड़ी की कीमत लगभग 20 लाख रुपए एक्स शोरूम होगी और ये MG ZS EV के साथ मारुति EVX से मुकाबला करेगी। दोस्तों इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो कंपनी चेन्नई प्लांट में बनाने वाली हुंडई क्रेटा ईवी का उत्पादन स्टैंडर्ड क्रेटा के लाइन पर ही होगी। दोस्तों यानी अपकमिंग SUV में क्रेटा के साथ कई समानता होगी जो लागत को नियंत्रण में रखने में मदद करेगी। दोस्तों हालांकि क्रेटा ईवी की अपनी यूनिक पहचान होगी और इसमें हल्के स्टाइलिंग बदलाव होंगे। दोस्तों अपकमिंग क्रेटा ईवी में एक बंद ग्रिल के साथ आगे और पीछे के बम्पर थोड़े अलग होंगे और इसके अलावा अलॉय व्हील्स में एरोडायनेमिक डिजाइन भी होगा। दोस्तों दूसरी ओर कार के केबिन में एक अलग स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल के साथ थोड़ा यूनिक डिजाइन होगा। दोस्तों कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि हुंडई इंडिया की पहली मास मार्केट ईवी अपनी इलेक्ट्रिक मोटर को विदेशों में उपलब्ध नई जनरेशन कोना इलेक्ट्रिक के एंटी लेवल वर्जन के साथ साझा करेगी और ये फ्रंट माउंटेड मोटर लगभग 138 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। दोस्तों अपकमिंग हुंडई क्रेटा ईवी का मोटर को 45 किलोवाट पर आवर बैटरी पैक से लैस होगा जो सिंगल चार्ज पर अपने ग्राहकों को 400 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती है। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में।